दोस्तों जापान में एक्सीडेंट रोकने का ये तरीका आपको हैरान करके रख देगा। मोदी जी का ये सूट दुनिया का सबसे महंगा सूट साबित हुआ है। अब टी शर्ट में भी लगी मिलेगी एसी, पर कैसे? स्टेशन पर उबड़ खाबड़ टाइल्स जानबूझकर लगाए जाते हैं, वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सिर्फ दुनिया में 43 लोगों के पास ही है। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स भरे आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों एसी को घर में लगवाकर ठंड का मजा लेना तो अब आजकल आम बात है, पर तब आपका रिएक्शन क्या होगा जब मैं आपसे कहूं कि एसी को अब शर्ट में भी लगवाकर ठंडी हवा का मजा लिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, अब ये दिन दूर नहीं है। माना कि ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, पर ये बिल्कुल सच है। दरअसल सोनी कंपनी ने एक ऐसा एसी बनाकर तैयार किया है जिसे शर्ट के अंदर भी लगाया जा सकता है। इस कंपनी का कहना है कि ये एसी एक बार फुल चार्ज होने पर 20 घंटे तक चलेगा। इस एसी की कूलिंग स्पीड भी बहुत ही तेज है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी पिंक कलर का तालाब देखा है? अब शायद हो सकता है लड़कियों ने देखा हो, लड़कों ने तो नहीं देखा होगा, इसकी गारंटी मेरी है। और लड़कों ने अगर नहीं देखा है तो आज देख लो। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट साइड में एक लेक मौजूद है जिसका नाम लेक हिलियर है। अगर आप इसे खूब ऊंचाई से देखेंगे तो ये एक कॉटन कैंडी की तरह दिखाई देगी। दोस्तों पहले लेक का ये कलर एक मिस्ट्री था, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पिंक कलर के लेक में हीलियोबैक्टीरिया और डूना लाई लसालिना है, जो कि एक एल्गी है। ये दोनों मिलके एक रेड सेगमेंट बनाते हैं जिसके चलते इस लेक के पानी का कलर पिंक हो चुका है। कलर के साथ साथ इस पानी में बहुत बड़ी मात्रा में नमक भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आज तक आपने बहुत से ब्लड ग्रुप्स के बारे में तो सुना होगा, और आपको ये भी पता होगा कि ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा दुर्लभ ब्लड ग्रुप भी मौजूद है जो पूरी दुनिया में मात्र 43 लोगों के पास मौजूद है। इस ब्लड का नाम है RH नल, जिसे गोल्डन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्लड ग्रुप की खासियत यह है कि ये किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ मैच हो जाता है और ये किसी को भी दिया जा सकता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता। जिनका भी ये ब्लड ग्रुप होता है उन्हें एनीमिया की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या इससे पहले आपको इस ब्लड ग्रुप के बारे में पता था या नहीं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों मरते हुए लोगों की जान बचाना तो एक आम बात है, पर तब क्या हो जब साइंटिस्ट मरे हुए लोगों को ही जिंदा करने की कोशिश में लगे हो? दोस्तों ये बात सुन के आपको नामुमकिन लग रहा होगा, लेकिन अमेरिका के किसी बड़े लैब में 100 से भी ज्यादा मरे हुए लोगों को लिक्विड नाइट्रोजन में इस उम्मीद में हिफाजत से रखा हुआ है कि आने वाले समय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी जिससे मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सके। मरे हुए लोगों को जिंदा रखने की उम्मीद में लोग करोड़ों रुपए खर्च करके अपने चाहने वाले लोगों की डेड बॉडी को सुरक्षित रखवा रहे हैं। इन लिक्विड नाइट्रोजन में बस आम आदमी को ही नहीं बल्कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी रखा हुआ है, जिसमें से मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी टेड विलियम्स की भी डेड बॉडी है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों दुनिया भर में ज्यादातर एक्सीडेंट्स बस रोड पे चलते समय स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से होता है। अब इस बात का अंदाजा तो आपने भी लगा लिया होगा। अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही ये चीज शायद कोई कैमरा लगे, लेकिन असल में ये भी एक आंख है जिसे द थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल ज्यादातर साउथ कोरिया में किया जाता है क्योंकि वहां पे स्मार्टफोन्स के यूजर्स बहुत ही ज्यादा है। जब भी कोई इंसान सिर झुकाकर चलता है तो ये कैमरा ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, और यूजर जब भी किसी चीज से टकराने वाला होता है तभी इस डिवाइस से एक तेज साउंड देकर यूजर को चौंका देती है। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल भारत में भी होना चाहिए? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों दुनिया में आप लोगों ने बहुत सी अलग अलग गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी कार कौन सी है और वो कैसी दिखती है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही गाड़ी को दुनिया की सबसे छोटी गाड़ी माना गया है। इस गाड़ी का नाम पील P50 है। इस गाड़ी का निर्माण 1962 से 1965 के बीच में पील नाम की एक कंपनी द्वारा किया गया था। दुनिया के सबसे छोटे कार के रूप में पील P50 का नाम 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। 2010 और 2011 में पील P50 का एक इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी लॉन्च किया गया। इस छोटे से कार में बस एक ही गेट है और बस एक ही आदमी के बैठने भर की जगह है। इस गाड़ी की लंबाई 52.8 इंच, चौड़ाई
6.3 इंच और ऊंचाई 38.4 इंच है और वजन मात्र 56 किलोग्राम है। सच में दोस्तों अब इससे छोटी गाड़ी अब कोई क्या ही बना पाएगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ एक मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने जो सूट पहना था वो नीलामी के दौरान बिकने वाला अभी तक का सबसे महंगा सूट है। इस सूट पे सोने की पत्तियां बनाई गई थी जिन पर नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था। ओबामा से मुलाकात के बाद उस सूट को नीलामी में ले जाया गया जहां गुजरात में रहने वाले एक हीरा व्यापारी लालजी भाई तुलसी भाई ने इस सूट को 4.5 करोड़ में खरीद लिया था। ये सूट इस कीमत से बिकने के बाद दुनिया के सबसे महंगा सूट बन गया। इतना ही नहीं, इस सूट के बारे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1973 में एक ऐसा टाइम कैप्सूल बनाने का वादा किया था जो फ्यूचर में 1000 साल बाद भारत के नागरिकों को भारत के प्राचीन समय के बारे में जानकारी दे सके। ऐसा करने के लिए एक कॉपर के बने मजबूत कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर भारत के इतिहास को लिखकर 15 अगस्त 1973 को लाल किला के अंदर दफन कर दिया गया था और ये फैसला किया गया था कि इस कैप्सूल को 1000 साल बाद निकाला जाएगा। इसे गाड़ने के बाद से ये कैप्सूल एक कॉन्ट्रोवर्सी की वजह बन गया है। विपक्ष के नेता मौराज देसाई ने यह वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीते तो वो उस कैप्सूल को बाहर निकालेंगे और उसमें लिखी हर बात को जनता के सामने लाएंगे। 1977 में जब इनकी सरकार बनी तो उन्होंने उस कैप्सूल को बाहर निकाला, लेकिन इसके अंदर मौजूद किसी भी डेटा को पब्लिकली नहीं किया गया और कैप्सूल को निकालने के बाद उसका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों फ्रांस में एक ऐसी अनोखी सड़क है जो पूरे दिन में सिर्फ दो ही बार नजर आती है। यह सड़क दिन के अधिकतर समय पानी में डूबी रहती है। इस खास सड़क का नाम पैसेज डू गोइस है, जिसका फ्रेंच भाषा में मतलब होता है जूते गीले करते हुए सड़क पार करना। सन 1701 में पहली बार इस सड़क को मैप पर देखा गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य से यहाँ पर घोड़ों और गाड़ियों का चलन शुरू हुआ था। उससे पहले इस सड़क को केवल नाव के द्वारा ही पार किया जा सकता था। यह सड़क फ्रांस के अटलांटिक कोस्ट पर बनी हुई है जो मेनलैंड को नोइर मोर्टियर से जोड़ती है। इस सड़क की कुल लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है और दिन में कुछ घंटों को छोड़ दिया जाए तो यह अधिकतर समय 1.3 मीटर से लेकर 5 मीटर तक की गहराई वाले पानी में डूबी रहती है। हर साल इस सड़क पर कई हादसे भी होते हैं। इसके बावजूद फ्रांस में इस सड़क का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जब भी आप किसी मेट्रो स्टेशन पे गए होंगे तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि वहाँ स्टेशन पे कुछ अलग तरीके से ऊबड़ खाबड़ टाइल्स लगे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन टाइल्स को क्यों लगाया जाता है? दरअसल इस तरह के टाइल्स अंधे लोगों के लिए लगाए जाते हैं। इन ऊबड़ खाबड़ टाइल्स के सहारे वो लोग जिन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता वो स्टेशन पे चल सकते हैं। स्टेशन पे लगे ये टाइल्स इस बात का इंडिकेशन होते हैं कि रुक जाए, वही सीधे टाइल्स का मतलब होता है कि चलते रहे। इन टाइल्स की मदद से ब्लाइंड लोगों को चलने में बहुत मदद मिलती है। इन टाइल्स को टैक्टाइल पाथ भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हमारे देश में कपड़ों का एक अलग ही महत्व है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहाँ पर लोग बिना कपड़ों के रहते हैं, तब आप क्या कहोगे? अब सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन फ्रांस के कैप डी आगडी नाम के शहर में लोग शॉपिंग मॉल से लेकर रेस्टोरों और जिम तक में भी बिना कपड़ों में रहते हैं। ये शहर अपने अनोखे लाइफस्टाइल के लिए फेमस है, जिसे न्यूड सिटी के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, दूसरे देशों से भी लोग यहाँ गर्मियों में एक से एक खूबसूरत बीच का लुत्फ उठाने आते हैं। कहा जाता है कि ये दुनिया का एक इकलौता ऐसा शहर है जो न्यूड टूरिज्म का स्पॉट बना हुआ है। लगभग 50,000 लोग हर दिन इस जगह विजिट करते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जब भी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो पड़ोस के लोग रिश्तेदार उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन स्पेन में ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल स्पेन में एल कोलाचो नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को बेबी जंपिंग के नाम से जाना जाता है। लगभग 400 साल पुराने इस ट्रेडिशन के हिसाब से किसी भी न्यू बॉर्न बेबी को उनकी माँ सड़क पर बिछे बिस्तरों पर लिटा देती है, जिसके बाद कुछ खास लोग इन बच्चों के ऊपर से कूदते हुए जाते हैं जो लाल और पीली ड्रेस पहने हुए होते हैं। इन्हीं में से एक आदमी को डेविल माना जाता है जो बच्चों के ऊपर से छलांग मारकर जाता है। स्पेन के ट्रेडिशन के हिसाब से डेविल जब बच्चों के ऊपर से कूद के निकल जाता है तो उससे उन बच्चों के सभी पाप धुल जाते हैं और आने वाले समय में भी वो बुरे कामों से दूर रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ट्विटर ऐप को दुनिया में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ट्विटर में बनी ये चिड़िया कौन सी है और उसका नाम क्या है? इस चिड़िया को लैरी नाम से बुलाया जाता है। इसे मशहूर प्लेयर लैरी बर्ड के नाम पर रखा गया था। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते थे। फैक्ट नंबर 1,
दोस्तों बचपन का प्यार नाम से मशहूर हुए इस गाने को तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसे सहदेव नाम के एक छोटे से लड़के ने गाया था। दोस्तों हाल ही में यह पॉपुलर बच्चा सहदेव एक सड़क हादसे में घायल हो गया। सहदेव के सिर, हाथ और पैर में काफी ज्यादा चोट भी आई और सिर में ज्यादा चोट लगने की वजह से सहदेव को सुखमान जिला अस्पताल से अब जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।